जो छुट्टी का ऐलान किया, कहीं ना कहीं जातिगत और दलगत राजनीति को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जन्म दे रही है कहीं ना कहीं सर। देखिए आप लड़ने में बेहद कारगर साबित होते हैं। जैविक और अकाबनिक खाद के मुकाबले इससे हानिकारक कीट को अच्छी तरह से उठो ना, 6 बज रहा है। राजनीतिक दल सियासत करते रहेंगे। तो अब बीजेपी और कांग्रेस में भी होड़ सी लगी हुई है। न्यू इंडिया की एक तरफ बात की जाती है पर महाराणा प्रताप की जयंती पर सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सवाल तमाम सारे हैं। सहारनपुर को एक बार फिर से सुलगाने की कोशिश, कौन लोग है इसके पीछे, क्या साजिश हो सकती है? तो आज की इस बड़ी बहस में सवाल तमाम सारे हैं। Device paired. उसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं डीपी सिंह जी। डीपी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं मनोज यादव जी। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दलित चिंतक डॉक्टर राजेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। वो आप लोग छुट्टी का एक एकेडमिक कैलेंडर भी जारी कर ही दीजिए लगे हाथों कि ये होगा सवाल। चलिए अब मैं राजेंद्र वर्मा जी हैं डॉक्टर साहब। सर मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि जो छुट्टी का ऐलान किया, कहीं ना कहीं जातिगत और दलगत राजनीति को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी जन्म दे रही है कहीं ना कहीं सर। देखिए आप दलगत राजनीति का जो बात कर रहे हैं वो कौन जन्म दे रहा है इस पे आपको और गहन चिंतन करना पड़ेगा। ये विवाद चाहे बाबा साहब की जयंती को लेके हो या में से देख रहे हैं ये राजनीति। हाँ। इसमें ठीक है आप राजनीति की बात कर सकते हैं, क्यों इसको गलत मानता हूं। मैं कहना चाहता हूं की जयंती पर सियासत होना अब लग आप देखिए फिर आप उस इतिहास पे उस साक्ष्यों पे जाइए।